हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चे, आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। साइंस का ये चैप्टर है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है फर्स्ट पार्ट। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, रिक्वेस्ट एवरीवन पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, इट विल बी इजी फॉर यू टू कनेक्ट विद द सेकंड पार्ट देन। तो चलिए विदाउट डिले अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें ये सब हमने कर लिया था, ये भी हम लोगों का हो गया था और हम लोगों का ये भी हो गया था। ठीक है, हाँ, यहाँ थे हम लोग इस वाली लाइन पे। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था। चलो अब आगे पढ़ते हैं। वी कैन फाइंड आउट, हम पता कर सकते हैं क्या चीज़ भाई। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी वो करवाएंगे जिससे हमें पता चलेगा किसके बारे में, टेस्ट बर्ड्स के बारे में, जो हमारे जीभ पर होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। अब यहाँ पर पहले ना, अब ये जो दे रखा है स्वीट्स एंड टूथ डिके, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। नॉर्मली देखो, बैक्टीरिया जो होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट हमारे मुंह में, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। हाउ एवर वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं मैनी हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें, उनसे बचाने के लिए। ठीक है, और ऑल्सो बिगिन टू लिव, जो लिव मीन्स रहने लगते हैं और ग्रो होने लगते हैं इन इट। ठीक है, सो क्या हुआ ये कि नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे मुंह में होता है, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। हाउ एवर, यानी कि फिर भी, वी डू क्लीन, हम फिर भी साफ करते हैं अवर टीथ, अपने दांतों को एंड माउथ को आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खाने के बाद हम साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो शुरू हो जाते हैं, लिव मीन्स रहना और ग्रो मीन्स बढ़ने लगते हैं। ठीक है, दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं द शुगर प्रेजेंट जो होती है फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, जो हमारे मुंह में रह जाता है, और रिलीज करते हैं फिर एसिड्स। ठीक है, सीन चैप्टर 5 टू नो व्हाट इज एन एसिड, एसिड क्या होता है वो पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 में, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि फिर ये एसिड रिलीज करने लगते हैं। तो एसिड ग्रेजुअली डैमेज करने लगता है टीथ। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर एसिड निकलने लगा तो वो एसिड हमारे दांतों को खराब करता है। अब जब दांतों को खराब कर देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। ठीक है, तो जो एसिड होता है उससे दांतों का खराब होना आता है टूथ डिके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम उसको अच्छे से समय पर ट्रीट नहीं करेंगे, नहीं इस प्रॉब्लम को रोकेंगे, तो क्या होगा, इट कॉजेस सीवियर टूथ एक, आपके दांतों में बहुत तेज दर्द होगा। एंड एक्सट्रीम क्या होगा, ये एक्सट्रीम केसेस पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, टूथ लॉस, आपके दांत ही टूट जाएंगे। ठीक है, चॉकलेट स्वीट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्पिट्स ऑफ टूथ डिके। यही सब होते हैं कल्पिट, मतलब बिल्कुल मत खाना आप, तो चॉकलेट छोड़ दो। ठीक है, चॉकलेट हैं, स्वीट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं, सब जितने भी हैं आपके, सब दांत खराब कर देंगे। ठीक है, तो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे दांतों के लिए। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और डैटम एंड डेंटल फ्लॉस। तो आपको दांतों को अच्छे से साफ रखना है ब्रश से, दातून से, जिसे हम बोलते हैं डैटम नहीं है, दातून है ये, दातून से और डेंटल फ्लॉस करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, धागा होता है, विच इज मूव करते हैं बिटवीन टू टीथ, दो दांतों के बीच में वो मूव करता है धागा, टू टेक आउट द ट्रैप्ड फूड, ट्रैप्ड मीन्स फंसा हुआ। देखो ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, ये एक दांत है आपका, ये दांत है, इन दांतों के बीच में यहाँ पर जो खाना फिक्स हो जाता है ना, उसको धागे से ऐसे साफ करना, दैट इज डेंटल फ्लॉस। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे हमें अपने दांत को साफ करना है, रिंस करना है माउथ को आफ्टर एवरी मील, जो आप दोपहर का खाना खाया, अपने रात का खाना है, करो दांत साफ। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स, गंदी फिंगर्स को आपको अंदर नहीं डालना है, और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को भी आपको मुंह के अंदर नहीं डालना, यानी कि बिना धुला ऑब्जेक्ट अगर आप मुंह में डालेंगे तो आपको पता है क्या होगा, दांत टूट जाएंगे बेटा जी, दांत खराब हो जाएंगे। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, कभी कभी क्या होता है, आप बहुत जब जल्दी में खाते हैं, टॉक करते हैं, फिर लाफ करते हैं, वाइल ईटिंग खाना खाते हैं समय, यू मे कफ, आपको हो जाती है खांसी, क्या होता है, यू गेट हिकअप्स, या फिर आपको हिचकियाँ आती हैं, और क्लोकिंग चॉकिंग सेंसेशन होता है कि जैसे कुछ फंस गया है, चॉकिंग सेंसेशन होता है। दिस हेल्प्स, ये क्या कर, सॉरी दिस हैपन्स, ये होता है किस लिए, व्हेन फूड पार्टिकल एंटर हो जाते हैं विंड पाइप में, ये दो पाइप बिल्कुल एक साथ है, खाने की पाइपलाइन और एक हमारे सांस की पाइपलाइन। अगर खाना खाते टाइम आप बोलोगे, ठीक है, हंसोगे, तो क्या होगा, आपकी विंड पाइप में चला जाएगा खाना। अब उससे क्या होगा, द विंड पाइप कैरीज एयर, वहाँ पे तो हवा होती है, हवा कैरी करती है, मतलब हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज वहीं से चल रहा है, फ्रॉम द नॉस्ट्रल टू द लंग्स। अब इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, मैंने अभी को आपको बताया कि कहाँ होती है, बिल्कुल फूड पाइप लाइन के बराबर में होती है विंड पाइप, बट इनसाइड द थ्रोट, गले के अंदर क्या होता है, एयर एंड फूड शेयर करते हैं कॉमन पैसेज, बिल्कुल कॉमन रास्ता होता है। ठीक है, अब क्या होता है उस रास्ते में, देन हाउ इज़ द फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, किस तरीके से भैया आप रोका जाए कि फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए, विंड पाइप में जाएगा खाना फंस जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर समझ लो सांसें बंद हो जाएंगी,
ठीक है, तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वॉल्स क्लोजेस द, पता है जब आप खाना अंदर स्वेलो करते हो तो जो फ्लैप लाइक वॉल्व होता है ना वो क्लोज हो जाता है, जो विंड वाला होता है, ठीक है, पैसेज वाला रास्ता उधर से क्लोज हो जाता है, द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड क्या होता है फिर, एंड गाइड्स द फूड इन टू द फूड पाइपलाइन, उसको गाइड करता है, चलो इधर आपका काम है, आप फूड पा आप फूड हो, आप फूड पाइप में जाओ, ठीक है, ये वाला दरवाज़ा बंद है आपके लिए। अब लेकिन आप क्या होगा, बोलोगे तो वो हवा वाला खुल जाएगा, हवा वाला खुल गया तो आपका खाना उसमें चला जाएगा। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर हो जाते हैं विंड पाइप में, वी फील जैसे चोक हो गया है कुछ, गैट हिकअप्स, हिचकी आने लगेगी, आपको खांसी आने लगेगी, जिससे एकदम से वो नेचुरली बाहर आ जाए। देखो भगवान जी की लीला किस तरीके से आपका सारा साइंस है अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा एक्टिविटी। 2.4 देखते हैं आप, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ, दो सैंपल बनाओ आप, क्या क्या, एक तो बनाना है हमें शुगर सॉल्यूशन का, दूसरा कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का, यानी कि पहला चीनी का बनाना है, दूसरा नमक का बनाना है, तीसरा क्या करना है, मैं लेमन जूस लेना है, चौथा क्या है, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ लेना है, अच्छा नीम की पत्तियों को लेना है, और बिटर गार्ड का लेना है। चलो चखो, आप लोग चखना है ये नीम वाला, तो ठीक है। आप ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, उसको ब्लाइंड फोल्ड करना है, मतलब आँखों पर पट्टी बांध दो, एंड आस्क हिम और हर टू टेक आउट अ टंग एंड कीप द कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन, आप उसको स्ट्रेट हो और फ्लैट पोजिशन में रखो सामानों को उसकी टंग पे, क्या करेगा, यूज़ अ क्लीन टूथपिक, क्लीन टूथपिक को यूज़ करना है आपको, टू पुट द ऑब्जर्व पुट द अबव सैम्पल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज पे जीप के रखो ये सारे सैंपल, ठीक है, जो नीम वाला है ना वो आप अपने जीप पे रख के देखना, देखो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। चलिए आगे करते हैं, डिफरेंट एरियाज पे रखने हमें टंकी, एज शोन इन टू फिगर 2.6 में आपको ये दिखा रखा होगा, यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच, देखो हर एक में, क्योंकि नहीं तो एक पे दूसरे का टेस्ट आ जाएगा, तो आपको हर एक के लिए नया टूथपिक लेना है। आस्क द क्लासमेट, अपने क्लासमेट से पूछो, विच एरिया ऑफ द टंग को डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी सूर और बिटर, मतलब आपको ना ये पहचानना है कि भाई जीप पे वो कौन सा एरिया जहाँ आपको महसूस हो रहा है मीठा, जहाँ आपको महसूस हो रहा है यहाँ नमकीन, जहाँ आपको खट्टा लग रहा है, जहाँ आपको कड़वा लग रहा है, ये सारे टेस्ट आपको पहचानने हैं कि भाई अलग अलग जगहें बताओ कहाँ लग रहा है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अब आपको अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है और उसको लेबल भी करना है। रिपीट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को रिपीट करो विद अदर क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। द फूड पाइप या फिर ओसोफोगस के बारे में पढ़ना है, द स्वेलोड फूड, जो फूड आपने स्वेलो किया, जो आपने खाया, पासिस होता है इनटू द फूड पाइप से और ओसोफोगस से, लुक एट फिगर 2.2, अब आपको देखना है फिगर 2.2 को, द फूड पाइप रन होता है अलॉन्ग द नेक एंड नेक से निकलता है। अब यहाँ पर एक सेकंड एक चीज़ पढ़ लेते हैं, पहेली क्या जानना चाहते हैं, पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग, भाई पहेली पूछती है कि वैसे तो फूड नीचे जाता है लेकिन जब वॉमिटिंग होती है तो आपका फूड आपके मुँह से बाहर आता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, चलो ये भी पढ़ेंगे आगे। ये फूड दिखा रखा है आपको, जा रहा है ओसोफोगस में से स्टमक में जा रहा है इस तरीके से, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओसोफोगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, अब हम कहाँ पढ़ रहे थे, ये देखो इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, नेक से निकलता है एंड द चेस्ट तक पहुँच जाता है, द फूड इज पुश्ड डाउन, वहाँ से फूड को धक्का लगता है, नीचे की तरफ धकेला जाता है, बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, जो फूड पाइप होती है उसकी दीवारों पे से एक ऐसा मूवमेंट होता है कि फूड को नीचे की तरफ धकेला जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल, ये जो मूवमेंट होती है इस तरीके का नीचे को धकेलने वाला, पूरे एलिमेंट्री कैनल में इस तरीके से पुश किया जाता है फूड को डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक, भाई फूड कुछ इस तरीके से होता है कि हमारा फूड जो है वो पेट हमारा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसको ले ही नहीं रहा, अब नहीं ले रहा, हो सकता है आपका पेट खराब हो सकता है आपका तबीयत खराब हो, तो जब उस समय जब स्टमक इस कंडीशन में नहीं है कि फूड को एक्सेप्ट करे तो क्या हो जाती है, हमें वॉमिट हो जाती है, फूड बाहर आ जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस वेन यू वॉमिट, मतलब आपको वॉमिटिंग होती होगी तो आप महसूस करके देखो कैसा लग रहा है आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न ऑफ इट, ठीक है। अब डिस्कस करना है विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अब करो आप वॉमिटिंग के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ द स्टमक, स्टमक के बारे में पढ़ते हैं, द स्टमक इज अ थिक वॉल पैक्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बन के आता है कि वॉट इज अ स्टमक, ठीक है, तो क्या होता है, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैट एंड यू, ऐसा लगता है जैसे फ्लैट एक यू हो, एंड इट इज द वाइडेस्ट, सबसे वाइडेस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, तो ये सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये पूरा फूड जो है वो रिसीव कर लेता है फूड पाइप से जो भी आ रहा होता है एट वन एंड, और ओपन करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, तो एक तरफ से तो फूड पाइप लाइन की तरफ से ओपन होता है जिससे खाना अंदर जाएगा, फिर क्या होगा नीचे की तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ओपन होता है जहाँ की हमारा खाना लास्ट में जाता होता है। तो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में क्या होता है, स्क्रीट्स होते हैं,
म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एसिड है जो हमारे पेट में से रिलीज होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस भी निकलते हैं, ठीक है। आप क्या होता है, द म्यूकस प्रोटेक्ट करता है द लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करता है ये। एसिड क्या करते हैं, आप जो भी खाना खा रहे हो बच्चे उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी जा सकते हैं साथ में, तो एसिड किल्स कर देता है मैनी बैक्टीरिया को दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड दैट मेक्स द मीडियम इन द स्टमक। एसिडिक कैन हेल्प क्या करता है डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने के लिए, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन्स को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ भी मार्क कर लो कौन करता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन, तो करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, कहाँ होते हैं स्टमक में होते हैं। और क्या होता है, कौन सा एसिड होता है स्टमक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोल्ड, इस तरह से कोल्ड की तरह होती है, मतलब कैसे होती है ऐसे 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 बस घूमती जाती है ये, ठीक है। अब क्या होता है, लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, सोचो आपके पेट के अंदर इतनी लंबी, ओफो माय गॉड। चलो जी आगे पढ़ते हैं, इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास, देखो लीवर और पैनक्रियास से भी जूसेस निकलते हैं हमने पढ़ा, तो ये रिसीव करती है उसे। बिसाइड्स द वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, इसके अलावा इसकी जो वॉल्स होती हैं ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ से भी जूसेस निकलते हैं, कई जगह से निकल गए ना, आपके टंग पे से भी, स्लाइवा से भी निकलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, पेट में से भी निकलते हैं, स्टमक में से, ठीक है, स्टमक की वॉल्स में से, ये पैनक्रियाज और ये भी देते हैं हमें, लीवर भी देते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। तो कितना लंबा प्रोसेस है आपके पेट के अंदर, ठीक है। द लीवर इज अब लीवर क्या होता है यहाँ से पढ़ो चलो, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट होता है, लीवर क्या होता है, स्टमक क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यू नो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर एनसीईआरटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आगे तक के किसी भी कंपटीशन का देने के लिए, सो ज़रूरी नहीं कि क्लास 7th के बच्चे ही इस वीडियो को देखें, जो लोग बाहर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। अच्छा अब आ जाओ लीवर के पास चलते हैं, द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, लीवर होती है रेडिश ब्राउन, तो कलर आप अच्छे से पढ़ लो। सिचुएटेड कहाँ होती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, पेट के ऊपर वाले पार्ट में होती है, ऑन द राइट साइड, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लीवर कहाँ होता है, पहले बात लीवर का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होता है। अपर पार्ट जो होता है एब्डोमेन में किधर होता है, ये लीवर अपर पार्ट होता है हमारे एब्डोमेन का राइट साइड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, क्वेश्चन बन गया ना, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, दैट इज लीवर। अब क्या होता है लीवर में भी क्या होता है, इट एक्रीट्स बाइल जूसेस, तो बाइल जूस कौन एक्रीट करता है, किस में से निकलता है, लीवर में से निकलता है। अब दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, सैक यानी कि बोरा, तो किस तरीके से एक बोरे में, एक गॉल ब्लैडर में जाके जो हमारा है ये वहाँ पे जाके हमारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है। अब द बाइल क्या करता है, ये प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो फैट्स जो अभी हम खाते हैं उसको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा बाइल जूस जो है वो हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, क्रीम कलर की बड़ी सी ग्लैंड होती है पैनक्रियास। अब ये क्या करते हैं, कहाँ लोकेटेड होती है पहले ये पढ़ लो, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, ठीक है, तो नीचे की तरफ होती है, बिलो मीन्स नीचे स्टमक में। द पेनक्रियाटिक जूसेस एक्ट करते हैं एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, उसको चेंज कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में। यहाँ पढ़ो, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेंज एक्सीडेंट, ये वर्किंग ऑफ स्टमक कैसे पता चला था, कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, बड़ा स्ट्रेंज एक्सीडेंट है, चलो पढ़ लेते हैं क्या है ये। इन 1822 एक मैन था एलेक्स, ठीक है, एलेक्स सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन, उसको कोई बंदूक से लगा होगा, गन से किसी ने शूट किया होगा, द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट, अब बुलेट ने क्या किया, उसकी जो चेस्ट थी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया और चेस्ट वॉल को भी, एंड मेड अ होल, वहाँ पर बना दिया एक होल इन द स्टमक, और होल कहाँ हो गया, स्टमक की तरफ एक होल हो गया। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लेकर गए, उनका नाम था विलियम बी एमोंट, अच्छा जी, तो डॉक्टर सेव द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को सेव किया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, मगर होल जो था वो जो छेद हो गया था उसको अच्छे से प्रॉपरली वो बंद नहीं कर पाए। 1822 की बात है, साइंस इतनी ज़्यादा उस समय डेवलप नहीं होगी। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक, अब ये होल तो बंद नहीं हुआ है, तो क्या हुआ उनके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई कि भाई देखो अंदर है क्या स्टमक में थ्रू द होल। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने करी कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, कर लिखा उस समय होगा, ठीक है, मेड मीन्स बनाई होंगी, वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस अपनी लिखी कहीं। अब क्या हुआ, ब्यूमोंट फाउंड दैट द स्टमक वॉज अ चर्निंग फूड, तो स्टमक क्या कर रहा था, चर्न कर रहा था फूड को, इट्स वॉल स्क्रीट कर रही थी एक फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, ठीक है, उस फ्लूइड की वजह से, उस तरल की वजह से फूड जो था वो डाइजेस्ट हो रहा था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व ये भी किया था, एट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू एन
इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड. तो उन्होंने क्या किया कि वो ऑब्जर्व किया कि जो एंड है स्टमक का वो भी ओपन हो रहा है कहाँ पर, एक इंटेस्टाइन में, ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड. जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तब ये वाला दरवाज़ा खुल जाता है. फिर क्या होता है, फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीट. और इस तरीके से फूड जो है वो पूरा कम्प्लीट होता है यहाँ पर. तो काफ़ी कुछ अच्छा था ये पढ़ने के लिए. अच्छा आप आ जाओ. द पार्टली डाइजेस्टिव फूड नाउ रीचेस टू द लोअर पार्ट. जो पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुँच जाता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में. वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट करते हैं द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड को. अब द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन डाउन. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज. अच्छा फैट जो होता है वो किस में होता है, फैटी एसिड्स में. एंड दिस इज ग्लाइसोरियल. एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड में. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं. एब्जॉर्बेशन क्या होता है, एब्जॉर्बेशन एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्बेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. किस तरह से एब्जॉर्ब होता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स. सो डाइजेस्टेड फूड होता है पास अब ब्लड वेसल्स से इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन. अब ये जो प्रोसेस है ना, ये एब्जॉर्बेशन कहलाता है. बच्चे ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कि क्या होता है. डाइजेस्टेड फूड जो होता है कैन नाउ पास होता है कहाँ से, इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, खून की जो नलियाँ होती हैं हमारे अंदर, इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. और वो कहाँ होती हैं, वो होती हैं वॉल्स इंटेस्टाइन की, दीवारों पर लगी होती है एक तरीके से. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. इंपॉर्टेंट चीज़ है, द इनर वॉल्स जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें क्या होता है, थाउजेंड्स के लगभग होता है फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स निकली हुई होती हैं. क्या होता है, दीज आर कॉल्ड विली. इनको कहते हैं हम विली, सिंगुलर फॉर्म है विलियस, ठीक है. कैन यू गेस व्हाट आर द रोल ऑफ विली, क्या आप गेस कर सकते हैं कि वही विली क्या करती है, कुड बी इन द इंटेस्टाइन, ये क्या कर रही है वहाँ पर. द विली इंक्रीज करती है द सरफेस एरिया, चौड़ा कर देती है उस एरिया को फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ द फूड. एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से ही फूड वहाँ पर एब्जॉर्ब हो पाता है. जैसे ईच विलियस हैज़ अ नेटवर्क, इनका पूरा नेटवर्क बचा होता है ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का, ठीक है, क्लोज टू इट्स सरफेस. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को. ये जो विली होती है एब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी आपने खाना खाया डाइजेस्ट हुआ तो जितने भी इसके मटेरियल डाइजेस्ट करने होते हैं ये सब डाइजेस्ट कर लेती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, ठीक है. तो जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो उनको बॉडी को चाहिए होती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया अ ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स. जैसे कि पेड़ों में होता है ना, एक जगह खाना पूरा तैयार हो जाता है तो दूसरा जो होता है वो सब जगह खाना देकर आता है. इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है कि भाई अब खाना जो है पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो गया, अब पूरा पहुँचाया जाता है बॉडी के अंदर सब जगह. सो ब्लड वेसल्स ये काम करती हैं, ठीक है. ब्लड वेसल्स जाएंगे इधर उधर, बोलेंगे हाथ को चाहिए, नाक को चाहिए, पैर को चाहिए, सबको खाना ट्रांसपोर्ट होता है, तभी तो आपके सारा अंग चल पाते हैं सारे के सारे. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाय द ब्लड वेसल्स. इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि किससे पहुँचता है, वाय द ब्लड वेसल्स, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है. वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज दी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. अब इसको कहते हैं हम एसिमिलेशन. क्या है एसिमिलेशन, फिर से पढ़ा दूँ आपको, यहाँ से आ जाओ. वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज. अब हमने खाना क्या कहाँ तक पढ़ लिया था, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं. वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, यहाँ पर जब ये खाना अलग अलग ऑर्गन्स में पहुँच जाता है तो क्या होता है, ये यूज होता है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज के लिए. वो क्या है, सॉरी, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन इन द सेल. सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. हेल्प लेता है वो ऑक्सीजन की एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी होती है हमारी बॉडी में रिलीज इन सेल्स. देखो हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है. सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ध्यान रखना ये बात. अब इनटू कार्बन ऑक्सीजन इनटू कार्बन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी फिर होती है फाइनली रिलीज. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता या एब्जॉर्ब नहीं होता एंटर, वो क्या जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में. पढ़ते हैं अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, एक वाइडर और शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ी चौड़ी होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. इट इज़ अबाउट 1 and 1.5 meter इट्स लेंथ. लेंथ पूछी जा सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन की भी और लार्ज इंटेस्टाइन की भी, ध्यान से याद रखिएगा. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, इसका क्या काम होता है, इसका फंक्शन होता है देखो एब्जॉर्ब करना पानी को और सम सॉल्ट्स को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स से. अनडाइजेस्टेड है लेकिन ये इसमें से भी निकाल लेता है, क्या निकाल लेता है, पानी निकाल लेता है और सॉल्ट निकाल लेता है. अब जो बिल्कुल ही कुछ काम का नहीं रह गया, द रिमेनिंग वेस्ट पास हो जाता है इनटू द रेक्टम और रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड फेसेस. और पटी
ठीक है, समझ लो अब इसको, यही रिमेनिंग है, वेस्ट है, ठीक है। द फैसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू दी एनस, और फिर बाहर निकल जाती है, आपको पता ही है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, सुबह जाओ शाम जाओ, और दिस इज कॉल्ड एजेशन। आपको समझ में आ गया कि अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना एजेशन कहलाता है। आप आ जाओ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब इनमें कैसे होता है डाइजेशन किसी भी चीज़ का? हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कभी आपने इन्हें ऑब्जर्व किया च्यूइंग, खाना खाते टाइम कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? वो खा नहीं रहे होते, मतलब उनके आगे घास नहीं पड़ी, फिर भी वो मुँह चलाते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या, एक्चुअली दे क्विकली स्वैलो, सामने खाना देखा फटाफट से इन्होंने मुँह में डाल लेना, बड़े स्मार्ट होते हैं ये, देखो कि भाई बाद में मिले ना मिले, अभी आप फटाफट अंदर स्टोर कर लो, फिर क्या करेंगे ग्रास वगैरह को स्टोर कर लेते हैं पार्ट में स्टमक के, वो कहलाता है रूमेन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ स्टोर होता है, रूमेन में होता है, आर यू एम ई एन। अब हियर क्या होता है, द फूड गेट्स, आगे पढ़ते हैं रुको, पार्शियली डाइजेस्ट होता है इनटू, पार्शियली डाइजेस्ट होता है एंड इज कॉल्ड कड बोलते हैं उसको अब, ठीक है। बट लेटर क्या होता है, कड रिटर्न कर देता है फूड को माउथ में, ठीक है, एक तरीके से उन्होंने ना अपने पेट उनका घर है उसमें फटाफट से उन्होंने स्टोर कर लिया, आप बोलते हैं फिर बाद में आराम से खाते रहते हैं उसको, बट लेटर द कट रिटर्न सिम्टम टू द माउथ। अब फिर क्या होता है, द स्मॉल लम्स बन जाते हैं एंड द एनिमल च्यू कर लेता है फिर उसको, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, ठीक है। और एंड दीज एनिमल्स जो मतलब एक साथ पूरा मुंह में डाल लेते हैं, फिर उसके बाद वो कट बन जाता है, फिर कट बाहर मुंह में वापस आ जाता है, तो ये पूरा जो एनिमल जिन एनिमल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्युलोस, ग्रास जो होती है सेल्युलोस में काफ़ी रिच होती है, ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्युलोस, हम नहीं कर सकते, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं वो भी नहीं कर सकते इसको डाइजेस्ट, ठीक है। अब पहले पीछे का पढ़ लेते हैं जो छूट गया, ये वाला ब्लू वाला। अब क्या है, ये डायरिया के बारे में पढ़ना है, क्या है, समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वॉटरी स्टूल फ्लुएंटली फ्रीक्वेंटली, कई बार क्या होता है पॉटी जा रहे होते बार 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 फ्रीक्वेंटली और आपका काफ़ी ना ऐसे तरल निकल रहा होता है उसमें से, दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। अब ये जिसे हम बोलते हैं ना दस्त लग गए, उल्टी हो गई, तो यही हमारा डायरिया में होता है एक्चुअली। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई या इंडाइजेशन हो गया, आपको खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। इट इज़ कॉमन इन इंडिया, इंडिया तो क्योंकि भाई मक्खी मच्छर हमारे यहाँ तो भरपूर मात्रा में है, कॉकरोच वगैरह तो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, पार्शियली अमंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में तो बहुत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो होता है वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है एक्चुअली। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल, बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन हो सकती है तो मतलब ये बहुत आपके लिए भयंकर भी हो सकता है भाई। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा वाटर निकल जाता है, सॉल्ट्स निकल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए भाई, पानी की कमी हो जाएगी अदरवाइज, और पानी तो मतलब एसेंशियल है हमारे, वन थर्ड बॉडी को छोड़ दो तो सब पानी पानी है। तो डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड, ऐसा नहीं कि आपको उल्टी दस्त हो रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि चलो ठीक है ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, डॉक्टर की कंसल्ट करने से पहले क्या करना है, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉयल्ड एंड कूल्ड वाटर। अब आपको क्या करना है, डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया, दवाई आएगी, डॉक्टर मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उससे पहले ही सबसे पहले जो पेशेंट है उसको बॉयल्ड वाटर दो ठंडा करके, ठीक है, ऐसे नहीं उबलो हुआ पानी पिला दो गरम गरम, ठीक है, उसको थोड़ा बॉयल करके पानी को ठंडा करके दो जिससे कि पानी की कमी ना, और उसमें क्या डालना है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, क्योंकि शुगर और सॉल्ट जो होता है बच्चे वो बहुत ज़रूरी होता है, अगर उस समय वो हमारी बॉडी से कमी होगी तो आपका केस जो है काफ़ी बिगड़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन कहलाता है सॉल्यूशन। ORS क्या होता है, ORS के पाउच आते हैं मार्केट में, मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे आपको, जब ऐसी कंडीशन हो तो बच्चे ORS लो, और ORS का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया डायरिया के बारे में। अब हमारी पहेली के मन में कुछ और क्वेश्चंस हैं, पढ़ लेते हैं। पहेली वांट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है, व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इन, क्यों भाई ऐसा होता है कि ये जैसे ही मुँह में लेते हैं और क्यों उसी टाइम में च्यू नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो, अब बूजो भी कुछ जानना चाहते हैं, वाई बी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्युलोस लाइक द कैटल डू। अब बूजो को लग रहा है कि भैया हमें क्यों नहीं सेल्युलोस डाइजेस्ट होता है, कैटल तो कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो मिलेंगे सबके आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी आपको 1-2 करके डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जा सकता है, यू नो गाय तो बनाने के लिए नहीं देंगे, मगर पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या पार्ट है। एक सेकंड रुको, देखो ये वाला इस तरीके से कि यहाँ पर नंबर 1 दे दिया, पोता हूँ नंबर 1 क्या है, ये नंबर 2 क्या है, ये तो आपको रेक्टम स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब लेबल करने के लिए आ सकता है, ठीक है। चलो जी आगे पढ़ते हैं हमारा। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, रूमिनेंट्स का होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसको बोलते हैं
रिमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन, उसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रूमेन, बिटवीन द ओसोफोगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ होता है ओसोफोगोरस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है. द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर, तो यहाँ पर जो सेल्यूलोस होता है फूड का वो डाइजेस्ट हो जाता है इन हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस. अब देखो इसका आंसर मिल गया ना कि अब इनके मन में था कि भाई ऐसा क्यों होता है, एक सेल्यूलोस हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो वाले बैक्टीरिया नहीं होते जो कि किसके अंदर होते हैं, इस तरह के कैटल के अंदर होते हैं. सो फॉर यू हैव लर्न, अब आपने पढ़ लिया अबाउट एनिमल्स विच पोज इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उन एनिमल्स के बारे में जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिनका, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका मुंह ही नहीं होता एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, अब ये कहाँ से फूड लेते हैं, कहाँ से फूड खाते हैं, क्या होता है. इन दिस सेक्शन बिलो, इस सेक्शन में जो नीचे आ रहा है, यू विल लर्न अबाउट इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. अब आप पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक के बारे में, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा कैसे खाना खाता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं. अमीबा क्या है, एक्चुअली एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. देखो सब बॉडी जो बनती है सेल से बनती है, तो मल्टीपल सेल बनाते हैं आपके, देखो पहले एक सेल होता है फिर एक सेल से मल्टीपल सेल बनते हैं, लेकिन अमीबा जो होता है सिर्फ एक ही सेल है जो बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता जाता है. तो अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, सिर्फ इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है. कहाँ मिलता है ये, पॉन्ड में मिलता है. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के पास क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स होते हैं उसके अंदर, नहीं वैक्यूल्स होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म में. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपनी शेप को और पोजीशन को. अमीबा की एक प्रॉपर शेप नहीं होती, कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ भी बना दो, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर है गिरा कोई भी शेप ले लिया ऐसे ही, ये भी अपनी शेप चेंज कर लेता है. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सुडोपोडिया. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये इस तरीके से ये सुडोपोडिया निकल रहे हैं, सुडोपोडिया निकल रहे हैं, सुडोपोडिया निकल रहे हैं, ठीक है. अब क्या होता है ये, इससे क्या होगा फिर, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. वो भी क्या करता है माइक्रोस्कोपिक, अभी छोटा है तो छोटे ही इन ऑर्गेनिज्म खाएगा, बड़ा वाला तो उसके पेट में भी नहीं जाएगा. तो व्हेन इट सेंस फूड, जैसे ही उसको लगता है ना कि फूड आया, तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अमीबा देखो इस तरीके से कुछ इससे है, मान लो ये है, उसको लगा फूड आया तो यहाँ से एक सुडोपोडिया बाहर आएगा, यहाँ फूड रखा है, खट से लेगा, झट से अंदर ले जाएगा, ठीक है. तो फिंगर लाइक जो उसका स्ट्रक्चर है वो बाहर निकल आता है, फटाफट प्रोजेक्शंस निकल आती है वहाँ से. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट्स सेंस फूड, जैसे ही लगा फूड आ गया उसका निकलता है फिंगर लाइक जो भी स्ट्रक्चर है वो बाहर आता है और फिर फूड लेता है और अंदर चला जाता है. ये अच्छा है भाई. इट पुशेज आउट सुडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स, वो पुश आउट करता है सुडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स के और इन्फागल्स उसको अंदर ले लेता है. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, अब फूड क्या होता है ट्रैप फंस जाता है फूड वैक्यूल में जाके. डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल, अब यहाँ पे फूड वैक्यूल में क्या होता है डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं. अब दे एक्ट ऑन द फूड, ये फूड पर एक्ट करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज में से. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, धीरे धीरे जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लिया जाता है. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ, अब जो एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट उससे क्या होता है ग्रोथ बनती है, मेंटेनेंस होती है, मल्टीपल यू नो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका. एंड अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकल जाता है आउट बाय द वैक्यूल. अब बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं सब में बेसिक तो सेम ही होता है. इन अ लेटर चैप्टर You will learn about the transport of food. आप ये चैप्टर जो पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे फूड के ट्रांसपोर्ट के बारे में, कैसे अब्जॉर्ब होता है बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और कैसे वो पहुँच जाता है सारे पार्ट्स में. तो बच्चे जी यहाँ होता है हमारे प्यारे बच्चों ये चैप्टर फिनिश, और चैप्टर था अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ने में और पढ़ाने में. और एक चीज़ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ना तो प्लीज़ कर देना, छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके लिए, क्लिक है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और लाइक किया नहीं है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो कर दो, जैसे आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह के सोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका एक क्लिक बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है आज. तो चलो जी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जल्दी से मुझे चैप्टर कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, जो नहीं समझ आ रहा है वो लिखो कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.